भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, श्री बिदोड़ी जी हमारे साथ हैं आज, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे कल, बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं, सांसद हैं, श्री बिदोड़ी जी हमारे साथ हैं आज, प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी थे कल, बार बार जो मुख्य मुद्दा है उस पे अरविंद केजरीवाल जी को लाते हैं, ये जनता के प्रश्न हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन विचित्र आपकी पाप राजनीति है, जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर हैं, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर वन मनीष सिसोदिया। कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नियत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा? आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट, ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो इसकी एक कमिटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या? और चुनौती दे के कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है।
ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई इस कमिटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमिटी की सिफारिश क्या थी। कमिटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे, और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य, और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL ट्रेड शुड बी रीवैम्प्ड बाय ब्रिंगिंग द एंटायर होलसेल ऑपरेशंस अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी। क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिश ये, और जो नीति आई सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, GNCTD एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ मैनर विच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया, क्या यह वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? ये पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं ये सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी, आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद ये सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है,
और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थर थर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया, पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब यह बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है, 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई, सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया,